टॉरेंस फैशन के यहाँ पर, इनके यहाँ देखते हैं कि कोई ड्रेस ऐसी है कि ड्रेस देखे जा रहा है। और सारा सामान मैं ले चुकी हूँ, ये आ गए बाकी सारा मेरा मेकअप का। कौन सी ड्रेस ली होगी, मतलब फर्स्ट ड्रेस ली? देखो कितनी सारी डाल के दी इन लोगों ने। हम चारों कैसे आप सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खैरियत से। उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी गाइस, तो इसलिए अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। गाइस अभी जो है मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर, मुझे बहुत 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 सारा सामान लेना है, तो सारा मुझे अपने लिए ही लेना है। तो अभी चलते हैं गाइस, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे गाइस, और मेरा व्लॉग आ चुका होगा, आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे इस टाइम 2 बज रहे क्योंकि। तो अभी चलते हैं क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ कपड़े भी लेने हैं, मेकअप भी लेना है, बहुत सारा सामान लेना है, तो चलते हैं। आ गई हूँ और मैं आई हूँ फ्लोरेंस फैशन के यहाँ पर, इनके यहाँ देखते हैं कि कोई ड्रेस ऐसी है कि नहीं है। बाहर तो मुझे ठीक लग रही है बट अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैंने इस ड्रेस को ट्राई किया, जिसका कलर और फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट इसके जो शर्क पे काम हुआ था ये काफ़ी ओल्ड फैशन था, जिसकी वजह से मुझे खास समझ नहीं आई। बट कलर इसका बहुत ही प्यारा था, दिखने में भी अच्छी थी, बट पैटर्न की वजह से मैंने इसको पसंद। उसके बाद गाइज मैंने इस ड्रेस को ट्राई किया, जो कि कलर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट इसकी फिटिंग मेरे को नहीं आई थी और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। इस शोरूम में सारे ड्रेसेस जितनी भी थी वो न्यूली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनके हिसाब से थी, मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। सब कुछ या तो काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल था या फिर ज़्यादा ही भरा हुआ था, तो इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। सो गाइज अभी जो है हम फ्लोरेंस गार्मेंट्स पे गए थे, हाँ मैंने ड्रेसेस देखी थी, मुझे फर्स्ट वन की लेमन थी वो बहुत पसंद आई है, बट तो अभी मैं और देखूंगी मार्केट में क्या क्या है, जब एंड में जो समझ आएगा ना फिर वो लूँगी मैं। अभी मैं एकदम से कुछ नहीं लेना चाहती, हो सकता है मुझे उससे मिल जाए, तो अभी देखते हैं हम और कुछ। सो गाइज हम ड्रेस देखे जा रहे हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतनी मार्केट ट्रैवल कर ली हमने, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है हमें ड्रेसेस में। बाकी और देखती हूँ कहीं कुछ मिल जाए, थोड़ी बहुत तो कर ली है। मुझे एक सूट पसंद आया, वो मैंने ले लिया है। अब गेस करना कि मैंने कौन सा सूट लिया होगा, क्या पहला लिया होगा या सेकंड जो मैंने आपको दिखाया था वो होगा। बट अभी जो है मैं मेकअप का सामान लेने के लिए आ गई हूँ, अपना एक्सेसरीज लेनी है, मेकअप लेना है, तो ये कुछ सामान हमने ले लिया है। और हमें 3 घंटे हो गए मार्केट में, अब मुझे जाना है इस शॉप में, यहाँ से मुझे सामान लेना है। सारा सामान मैं ले चुकी हूँ, ये आ गया बाकी सारा मेरा मेकअप का सामान आ गया है। मैं आपको घर चल के दिखाऊँगी, यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। थक गए हम बैठे हुए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमको कितनी देर हो गई मम्मा, हम 2 बजे से निकले हुए और अब टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे, तो यानी कि हमको 3 घंटे हो गए चलते चलते। अभी थोड़ा सामान बचा है, बस जाते हैं और वो भी लेते हैं। आ गए हम घर और हाथ देखो मेरा, मैं किसी शेड ट्राई कर रही थी, ये सारा सामान आ गया है हमारा। चलते हैं ऊपर की तरफ, और मम्मा इतना थक गई है ना, मुझे सुना रही हैं इतनी देर कर दी सामान लेने में। और गाइस मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ अपने मेकअप के लिए। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर पर और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है, कुछ खाया है पिया है, हालांकि हमने मार्केट में भी खा लिया था बट शॉपिंग की वजह से सारा ध्यान जो शॉपिंग के ऊपर था, तो थोड़ा खाया थोड़ी शॉपिंग की तो सारा हो गया। और मैं बस अपना मेकअप और जो भी शॉपिंग किया मैं उसे देख देख के खुश हो रही हूँ। मैं अभी कुछ नहीं रिवील करूँगी गाइस, जब मैं ड्रेस वेयर करूँगी अपनी तब मैं आपको दिखाऊँगी, कुछ डेज बाद मैं वो ड्रेस पहनूँगी। और आप गेस करो मैंने कौन सी ड्रेस ली होगी, मतलब फर्स्ट ड्रेस ली होगी, सेकंड ड्रेस ली होगी या कोई और सी ड्रेस ली होगी। तो आप पे ऑप्शन ए है कि मतलब फर्स्ट ड्रेस होगी मेरी जो कि लेमन एंड वाइट कलर की थी, सेकंड ड्रेस मेरी स्काई ब्लू कलर की थी, या थर्ड अदर मतलब कि कोई दूसरी ड्रेस मैंने ली होगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा ये चीज़। बाकी सारा सामान मैंने एसेसरीज भी अपनी ले ली है सारी, लेकिन अभी कुछ समय मेरा और बचता है, मैंने सिर्फ अपना मेकअप की ही शॉपिंग 2500 की है और अभी मेरा और सामान चाहिए मेरे को। तो मैं मम्मी को जैसे जैसे बताती ना कि मुझे और सामान चाहिए, मम्मी की और आंखें बड़ी हो जाती हैं। आई क्या, अच्छा तो गाइस अभी फिलहाल तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत देर तक शॉपिंग की है, कम से कम हमने मार्केट में 4 घंटे लगा दिए आज। बट ये अलहमदिल्ला सारा सामान हमारा आ चुका है, और जो बचता है सारा सामान वो मैं ऑनलाइन मंगाऊँ, क्योंकि मार्केट में वो सारा सामान अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन भी कुछ सामान अवेलेबल नहीं है। देखो अरेंजमेंट करनी है मुझे सामान की, सारा मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए अपने सारे, बाकी देखते हैं। तो गाइस जब मैं मेकअप ले रही थी ना, तो मैं मेकअप ऐसे ले रही थी कि मतलब कि हाँ ये भी और ये भी चाहिए, हाँ वो भी, तो मम्मी की आँखें ऐसे बड़ी होती जा रही थी, मम्मा भी लाइक बड़े हरामी हो बेटा, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं इतना मेकअप ले क्यों रही हूँ आखिरकार।
बट गाइज मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया मैंने मेकअप सामान अपना ख़रीदा नहीं है मेकअप के प्रोडक्ट, तो अब मैं सारे लेकर आ गई एक बारी में, बट जो बचे हैं वो भी मंगाने बाकी हैं, तो अभी मैं उनको ऑर्डर करती हूँ और फिर देखते हैं हमको। और गाइज मैंने खाना भी नहीं बनाया आज, बहुत थक रहा है मैं और मम्मी, इतना चले आए हैं मार्केट में तो खाना हमने बनाया नहीं है। कुछ भी जो होगा या तो हम बाहर से मंगा लेंगे या घर में से कुछ देख लेंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना मेरी ना मम्मा की। बाकी अभी थोड़ा सा मुझे ऑर्डर्स करने हैं, उनको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइज अभी जो है हमारा डिनर का टाइम नहीं हुआ है, हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि हमने शाम में ही मार्केट से आए थे तो कुछ खा लिया था। तो अभी हम जो डिनर अपना ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10:45 बजे, यानी कि 11:15 है। और मैं ले रही हूँ कबाब है, रोटी है, ये मैंने शेजवान सॉस ली है, बहुत टेस्टी लगती है। और गाइज मुझे कॉफ़ी बनानी थी मगर मुझे कॉफ़ी नहीं मिली तो मैंने बॉर्नविटा का दूध बना दिया। चलिए गाइज डिनर करते हैं फिर। कबाब एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं मम्मा को दे दूँगी या पापा को दे दूँगी। ये थे, मैंने ये सारे फ्राई कर लिए, अब जिसको खाने में खा लेंगे। तो गाइज पहले डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइज रात का बज रहा है 1 और हम सबको लग रही है भूख, तो क्यों नहीं आ रहा, सही पकड़ रखा है बिल्कुल मैंने। यूं करो ना, मैं रोज व्लॉगिंग करती हूँ फाइज, चलो भूलना बीच में। हाँ ये फाइज गया हसरा मुझे देख के, ये फाइज गया हसरा मुझे देख के। तो भाई ये भाई सही नहीं है, ले जाओ इसको अपने तेरी ले लूं बुलाई तेरी साथ की उतार, ओहो ओहो तमन्ना पापा एक थार दिला तो गाइस चलिए अभी वेट करते हैं, हम लोगों ने मंगाया है पिज्जा तो बहुत भूख लग रही है, अभी देखते हैं। तो गाइस पिज्जा आ चुके हैं, क्या कह रहा है फैज़? तो गाइस पिज्जा आ चुके हैं, खोलते हैं। आ गया है पिज्जा और मैं इसकी चीज देख रही हूँ, चीज देखो कितनी सारी डाल के दी है इन लोगों ने, कंजूसी पे कंजूसी हो रही है, नहीं आई थी। तो गाइस चल रही है पिज्जा पार्टी, कैसा लग रहा है पापा? भाई पूरी बोतल लेके बैठे के बज रहे हैं 2:30 और सब बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, किसी की आंखों में नींद नहीं है कि कोई सो जाए हम चारों में से। क्यों जगे हुए हम चारों? अब बस समझ लो सोने की तैयारी है, 3 बजे तक सब लेट ही जाएंगे। वो नहीं लगाया मैं हमने फैज का, बताई नहीं रहा। तो गाइस अब सब एंड कर चुके हैं, टीवी हमारा बंद हो चुका है इसी के साथ ही। तो गाइस इसी व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स के शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब हो गई गर्मी।